समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खबर तो प्रदेश के मौजूदा जनपद से है, जहां समाजवादी पार्टी की मौजूदा जनपद की इकाई ने सपा के राष्ट्रीय सचिव प्रवक्ता श्री राजीव राय के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ईवीएम से वोटिंग कराने के विरोध में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। खासतौर से पिछली बार चुनाव हुए और जो जगह जगह परिणाम आ रहे हैं कि ईवीएम में की गिनती वीवीपैट की गिनती अलग अलग आ रही है, बैलेट पेपर में कुछ और आता है और मशीन से गिनती होती है तो कुछ और आता है। हमने सीधा सा सवाल किया है कि जो लोग इस पर निर्णय ले रहे हैं, जैसे माननीय न्यायपालिका से लेकर ब्यूरोक्रेसी अधिकारी आईएएस आईपीएस जज जो भी हैं, क्या उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है जो फैसला ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया कि पेपर ट्रेलिंग की ज़रूरत है, आप 7 सेकंड के लिए स्क्रीन पर ले आते हैं और जो मतदाता अपने मतदान का उपयोग करता है उसको पता ही नहीं कि उसको वोट कहाँ गया। और जैसे गिनती हो रही, जैसे हमारे धर्मेंद्र यादव जी कहा था 16,000 वोट एक्स्ट्रा थे, मशीन की वोट कुछ और बताती है, वीवीपैट वो बताती है, तो क्या हिंदुस्तान के मतदाता को ये अधिकार नहीं है कि उसने किसको अपना मत दिया उसका सबूत सहित प्रमाण उसके पास हो? क्यों ऐसा होता है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कि जब बैलेट से गिनती होती तो विपक्ष जीतता है, जब मशीन से गिनती है तो भाजपा जीतती है? सवाल ये भी है कि आप पत्रकार मित्रों के माध्यम से हम लोग पता चलता है कि वहाँ मशीन खराब हो गई। एक तो जगह एसडीएम खुद ही जांच करने गए, तो जब भी मशीन खराब होती है कमल का ओटी क्यों निकलता है? जब पकड़ा जाता है मशीन तो उस मशीन से किसी अन्य चुनाव चिन्ह को भी निकलना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? और जो चुनाव आयोग से 19 लाख एक प्रिंट वालों ने आरटीआई डाला चुनाव आयोग का, तो उन्होंने बोला हमने लगभग 20 लाख मशीनें खरीदी हैं, और जब मशीनों के कंपनियों को डाला तो उन्होंने 40 लाख के आसपास मशीनें सप्लाई करी हैं। तो जो 19 लाख के आसपास जो वीवीपैट मशीनें, जो ईवीएम मशीनें गायब हैं वो कहाँ हैं? 35% उन्होंने बोल दिया कि वीवीपैट की मशीनें खराब हैं, तो खराब है तो वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है? एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जीपीएस कि हमें ये पता चल जाए कि अमुक मशीन इस समय कहाँ है, उस पर चुनाव आयोग को जब लिखा जाता है चुनाव आयोग जवाब ही नहीं देता है। तो जहाँ लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनता का भरोसा होता है, जिन देशों में ईवीएम मशीनें चली, मुझे पता है कि पत्रकार कुछ जो भारतीय जनता पार्टी के चैनल वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच्चाई उनका दिल भी जानता है। क्या हम अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, अन्य विकसित देशों से ज़्यादा विकसित हैं? जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई उन्होंने क्यों बंद कर दी? लोकतंत्र के विश्वसनीयता पर जब सवाल उठता है तो न्यायपालिका, सरकार और कार्यपालिका सबकी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को भरोसे में लेकर वो प्रणाली अपनाई जाए जिस पर देश को भरोसा और विश्वास हो। भारतीय जनता पार्टी के आगे आपको डर रहेगा कि ईवीएम का इस्तेमाल? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आडवाणी जी और उनके एक राज्यसभा के आजकल सांसद हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी थी, रिसर्च करी थी, तो उन्होंने आज वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का जवाब देंगे कि ईवीएम में क्यों वो जीतते हैं और बैलेट पेपर से विपक्ष जीतता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या इस बात को जवाब देंगे कि हमेशा मशीनें, जब खराब मशीनें पकड़ी जाती है तो उसमें से कमल का चुनाव चिन्ह क्यों आता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जवाब देंगे कि दोनों वोटों में मतांतर क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के कितने लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को छोड़ दिया जाए तो कितने लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता है? हिंदुस्तान के मतदाता को क्यों नहीं पता होना चाहिए कि जिस मशीन में वोट डाल रहा है वो मशीन इस समय कौन सी बूथ पर है, क्या छिपाया जा रहा है? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन करके अगर फैसले ले रहा है, जवाब नहीं दे रहा है, तो बिना रीढ़ की हड्डी वाले चुनाव आयोग से कहा जाएगा कि आपकी जिम्मेदारी लोकतंत्र के प्रति है, देश के प्रति है, और इस तरह के फैसले मान्य नहीं है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि 100% सुरक्षित मतदान कराया जाए, इससे 100% पर्चियां मिले जिससे गणना हो सके।